अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर न्यू ऑनलाइन क्लास। आई विश एंड होप यू ऑल फाइन। ओके, सो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर। ओके, लास्ट लेक्चर में यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ ना, यहाँ पर ये टू टाइम्स जो है वो राइट कर दिया गया है। यहाँ पर हेनिकॉफ और स्टीवन है, हेनिकॉफ एंड स्टीवन, सो यू मस्ट री राइट इट। ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द पॉइंट एक्सेप्टेड म्यूटेशन। सो एंड इट्स द सेकेंड मैट्रिक्स इन द पॉइंट एक्सेप्टेड म्यूटेशन मैट्रिक्स, दैट्स ऑल्सो नोन एज पाम। सो पैम इज एब्रिविएशन ऑफ पॉइंट एक्सेप्टेड म्यूटेशन, एंड इट्स अ रिप्लेसमेंट ऑफ अ सिंगल अमीनो एसिड इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन विद अनदर सिंगल अमीनो एसिड विच इज एक्सेप्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो पॉइंट एक्सेप्टेड म्यूटेशन में क्या होता है, जब आपका एक अमीनो एसिड जो है वो दूसरे अमीनो एसिड में चेंज हो जाता है नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस की वजह से, तो ये उन चेंजेस को, उन सब्स्टिट्यूशंस को फिल करने के लिए, फाइंड करने के लिए ये मैट्रिक्स होता है। ठीक है। अच्छा, अब एक्सेप्टेड म्यूटेशंस कौन सी होती हैं, पॉइंट एक्सेप्टेड म्यूटेशन कौन सी होती हैं। पॉइंट एक्सेप्टेड हम उन्हें म्यूटेशन को कह सकते हैं, जैसे आपने सुना होगा कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं, जैसे लास्ट टाइम ना मैंने आपको प्लस के साइन की बात बताई थी ना, कि जब एक अमीनो एसिड जो था वो दूसरे में चेंज हुआ था, और मैंने कहा था फिर भी उसको हमने नॉन सिमिलर नहीं कहा, ये नहीं कहा कि इसमें सिमिलरिटी नहीं है, वो हमने फिर भी, मैंने उसे कहा था आप इसको सिमिलर ही समझें। क्यों कहा था, क्योंकि दो अमीनो एसिड जो हैं, अगर पहला अमीनो एसिड दूसरे में चेंज हो रहा है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी हैं, तो हम कहेंगे इट इज़ समवट सिमिलर, इट इज़ नॉट, वी कैन से कि ये नॉन सिमिलर है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपके पास नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस से ऐसी म्यूटेशन आ जाती है जो कि एक्सेप्टेबल है, जहाँ पर एक अमीनो एसिड जो दूसरे में चेंज हो जाता है बट उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी रहती हैं, तो इट्स कॉल्ड एक्सेप्टेड म्यूटेशन। सो अ पैम मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स वेयर ईच कॉलम एंड रोज रिप्रेजेंट वन ऑफ द 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। तो इस अमीनो एसिड के रोज और कॉलम्स में हम था ना ग्लोबल और लोकल के अलाइनमेंट में क्या करते थे, ए टी जी सी लिखते थे। तो इसमें क्या होता है, हम लोग 20 अमीनो एसिड्स जो होते हैं ना उनका नाम हमने ऊपर रोज और कॉलम्स पे लिखना है, और फिर हमने मैट्रिक्स को चेंज करना है। और देन क्या होता है कि दीज मैट्रिसेस आर रेगुलरली यूज्ड एज सब्स्टिट्यूशन मैट्रिसेस टू स्कोर सीक्वेंस अलाइनमेंट फॉर प्रोटीन्स। मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, हम एक अमीनो एसिड को दूसरे के साथ, रो को कॉलम के साथ कंपेयर करते हैं। सेम आपने कॉन्सेप्ट रखना है लोकल एंड ग्लोबल अलाइनमेंट का, जैसे उसके मैट्रिक्स फिल किए थे। और उसमें क्या करते थे, जब हमारे पास मैच जाता था तो हम उसको एक स्कोर असाइन करते थे, मिसमैच को दूसरा और गैप्स को तीसरा, इस तरह से करके। और लास्ट पे जब हमारे पास अलाइनमेंट आ जाती थी स्पेशली, तो हम क्या करते थे उस टाइम पे, उनकी अलाइनमेंट का हम लोग स्कोर फाइंड करते थे। कैसे फाइंड करते थे, जो हमने अलाइनमेंट के मिसमैच, मैच, मैच और गैप वगैरह को हमने जो स्कोर दिए होते थे, उससे हम कहते थे हमने ये अलाइनमेंट स्कोर जो है फाइंड आउट किया। ठीक है। ओके, सो इन मैट्रिसेस को हम लोग थोड़ा सा और टॉपिक्स वगैरह की बात कर लें, प्रैक्टिकली हम कुछ चीज़ों पे काम कर लें, उसके बाद मैं ट्राई करूँगी कि इसी सेमेस्टर में मैं आपको ना ब्लॉसम और पैम जो मैट्रिसेस हैं उनको भी थोड़ा फीलिंग बताऊँ कि वो कैसे वर्क करते हैं। ऑल दो आपने इनमें से कोई भी चीज़ जो है बाय हैंड नहीं करनी, ये सारे काम जो है सॉफ्टवेयर आपके लिए करता है, बट यू मस्ट नो कि जब आप सॉफ्टवेयर पे क्लिक करते हैं, आपका पैम का ऑप्शन क्लिक करते हैं और वो आपको जस्ट एक रिजल्ट देता है, तो पीछे उसने ऐसा क्या किया, उसने क्या वर्किंग किया जिसकी वजह से आपके पास ये रिजल्ट आए हैं। ठीक है। ओके, द नेक्स्ट वन इज़, अच्छा जो ये मैंने इसका बताया था ना आपको ब्लॉसम के एल्गोरिदम का मैट्रिसेस, ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, हेनिकॉफ एंड स्टीवन ने। सो इट वाज फर्स्ट पैम मैट्रिसेस वाज इंट्रोड्यूस बाय डेहो, एंड शी दिस शी इज़ वेरी फेमस। आई थिंक आप लोगों को क्लास में काफ़ी आप लोगों को इसका बारे में पता भी था, आप लोगों ने साइंस वगैरह छोटी छोटी इस पर की थी लास्ट सेमेस्टर में। सो इसका जो मैट्रिक्स था वो किस पे बेस कर रहा था, एवोल्यूशनरी डिस्टेंसेस पे। ठीक है। और इट वाज शी इंट्रोड्यूस दिस मैट्रिसेस इन 1978 लेडी। सो आई जस्ट पुट अ स्लाइड दैट शो द डिफरेंस बिटवीन पैम एंड ब्लॉसम। So ब्लॉसम and पैम, that's पैम are used to score alignments between closely related protein sequences. अच्छा स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में मुझे लग रहा है, याद है जैसे कि मैंने शायद आप लोगों को थोड़ा उल्टा बताया कि क्लोज और डिस्टेंट का ना, कि पैम क्लोज के लिए नहीं है, डिस्टेंट के लिए है। तो आपने इसमें करेक्शन करनी है मेरे लास्ट लेक्चर में, कि जो पैम मैट्रिक्स है वो क्लोजली रिलेटेड प्रोटीन्स की अलाइनमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, और ब्लॉसम जो है वो किसके लिए करते हैं, जो हमारे पास डाइवर्जेंट प्रोटीन सीक्वेंसेस होती हैं उनके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। एवोल्यूशनरी डाइवर्जेंट प्रोटीन सीक्वेंसेस होते हैं ना, उनके अलाइनमेंट के लिए यूज़ होता है।
और पैम जो होती हैं वो क्या करती हैं, किसकी बेस पे करती हैं, पैम जो मैट्रिक्स है वो किसकी बेस रखता है, ग्लोबल अलाइनमेंट की बेस पे वर्क करता है, और ब्लॉसम जो है वो किसकी करेगा, लोकल अलाइनमेंट की बेस पे वर्क करेगा. एंड अलाइनमेंट्स हैव हाई सिमिलैरिटी देन ब्लॉसम अलाइनमेंट्स. सो पैम वाले में ज़्यादा सिमिलैरिटी हम लोग के पास आती है देन द ब्लॉसम अलाइनमेंट्स, एंड अलाइनमेंट्स हैव लो सिमिलैरिटी देन पैम अलाइनमेंट्स. ठीक है, म्यूटेशन इन ग्लोबल अलाइनमेंट्स आर वेरी सिग्निफिकेंट बेस्ड ऑन द हाईली कंजर्व स्ट्रेचेज ऑफ अलाइनमेंट. अच्छा, अगर आपको ना ये वाले पॉइंट की समझ ना आ रही हो, तो आपने जो लोकल का था ना हमने रखा था कि हाँ ये कंजर्व रीजन्स पे काम करता है ना, सेम आपने वही चीज़ की है. ठीक है, लोकल अलाइनमेंट में था, कंजर्व रीजन्स पे आए तो ब्लॉसम का मैट्रिक्स पे काम कर रहा है कंजर्व रीजन्स पे. एंड म्यूटेशंस क्या हैं पैम में, क्या है म्यूटेशन इन द ग्लोबल अलाइनमेंट्स आर वेरी सिग्निफिकेंट. ये देन हायर नंबर इन द पैम मैट्रिक्स नेमिंग डिनोट्स ग्रेटर एवोल्यूशनरी डिस्टेंसेस. और हायर नंबर जो है वो उसमें क्या डिनोट करते हैं कि हमारे पास एवोल्यूशनरी डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है. जितना ज़्यादा डिजिट बढ़ा होगा उतना ज़्यादा इसका मतलब है आपके पास डिस्टेंस ज़्यादा है. हायर नंबर इन द ब्लॉसम मैट्रिक्स नेमिंग डिनोट्स हायर सीक्वेंस सिमिलैरिटी एंड स्मॉल एवोल्यूशनरी डिस्टेंस. सो इसमें अगर ब्लॉसम के मैट्रिक्स में आपके पास बड़ा डिजिट आता है, ग्रेटर डिजिट आता है, तो उसका मतलब क्या है, सीक्वेंस की सिमिलैरिटी उतनी ही ज़्यादा है और क्या होता है एवोल्यूशनरी डिस्टेंस जो है वो कम है. सो द स्मॉल डिफरेंस बिटवीन ब्लॉसम एंड पैम. बट द मेन डिफरेंस इज कि ये ग्लोबल की बेस पे, ग्लोबल अलाइनमेंट की बेस पे वर्क करता है, ये लोकल अलाइनमेंट की बेस पे, और इसमें आपको ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंस के दरमियान कहते हैं, और ये थोड़ी सी जो एवोल्यूशनरी डाइवर्जेंट प्रोटीन्स होती है ना, जो उससे डाइवर्ज कर चुकी होती है ना, तो ये उनके लिए काम करता है. ओके अच्छा फ्रेंड्स, ये मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के जो मेथड्स हैं, जो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के जो टूल्स या सॉफ्टवेयर मैं आपको बताई थी ना, पी कॉफी, क्लस्टर डब्ल्यू, क्लस्टर एक्स, ये सारे जो हैं ये दो तरह के मेथड यूज़ करते हैं. इनमें से कुछ जो हैं वो प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट मेथड यूज़ करते हैं और कुछ आइट्रेटिव रिफाइनमेंट मेथड यूज़ करते हैं. सो प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट मेथड क्या होता है, द मोस्ट वाइडली यूज अप्रोच टू मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, आल्सो नोन एज हेरेडिकल और ट्री मेथड. तो आगे हम लोग ना अलाइनमेंट मेथड में ट्री मेथड की बात कर रहे थे. ठीक है, तो आप इसको प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट मेथड कह सकते हो, ट्री अलाइनमेंट मेथड कह सकते हो, हेरेडिकल मेथड कह सकते हो. एंड इट इज़ डेवलप्ड बाय पॉलिन हॉगवेग एंड बेन हेस्पर इन 1984. और पॉलिन हॉगवेग और बेन हेस्पर ने इसको कब डेवेल्प किया था, 1984 में. सो प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट बिल्ड्स अप अ फाइनल MSA by combining pairwise alignment, beginning with the most similar pair and progressing to the most distantly related. अच्छा फ्रेंड्स, जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बड़ा डिटेल से बताए थे ना, ए बी के साथ पेयर बनाएगा, फिर सी के साथ बनाएगा, फिर डी के साथ बनाएगा, और मैंने कहा था ना पेयर पेयर करके वो आपस में अलाइनमेंट करेगा और आपस में और फाइनली आपको एक रिजल्ट दे देगा उनका. ठीक है, तो वो कौन सी अलाइनमेंट थी, वो प्रोग्रेसिव थी. अगर किसी को इस बात की समझ नहीं आ रही तो काइंडली आप लास्ट लेक्चर देखें, उसमें मैंने बड़ा डिटेल में आपको बताया था. ओके, ऑल प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट मेथड रिक्वायर टू स्टेजेस. कौन सी टू स्टेजेस हैं, द फर्स्ट वन इज, फर्स्ट इज इन विद द रिलेशनशिप बिटवीन द सीक्वेंस आर रिप्रेजेंटेड एज अ ट्री कॉल्ड अ गाइड ट्री. फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, रिलेशनशिप सीक्वेंस के दरमियान कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ट्री के फॉर्म में, और आप इस ट्री को क्या कह सकते हैं, गाइड ट्री. ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या है इसमें, MSA फिर से ना, ये मैंने आपको बताया था जैसा मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, इट इज़ बिल्ड बाय एडिंग द सीक्वेंसेज सीक्वेंशली टू द ग्रोइंग MSA अकॉर्डिंग टू द गाइड ट्री. अच्छा, सबसे पहले ना आपने ना प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट में ये आपने सेम कॉन्सेप्ट रखना है जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपके पास क्या होगा, सपोज करें आपके पास छः सीक्वेंसेज हैं और आपके MSA के एल्गोरिदम ने क्या किया है, प्रोग्रेसिव एल्गोरिदम क्या करता है इसका, कि वो सबसे पहले पहली दूसरी और पहली सीक्वेंस का दूसरी के साथ अलाइनमेंट करवा लेगा और पहली का तीसरी के साथ करवा लेगा. ठीक है ना, तो आपके पास दो अलाइनमेंट आ गई ना, दोनों अलाइनमेंट को कंबाइन करके वो एक गाइड ट्री बना लेगा. उसके बाद जितनी भी आगे सीक्वेंसेस की उसने अलाइनमेंट करवानी है ना, अलाइन करवा करवा के वो किसके साथ करी जाएगा, उसको ऐड जो आपका गाइड ट्री होगा उस पर ऐड करता जाएगा. फिर अगले सीक्वेंस जो पांचवा सीक्वेंस है उसकी जो भी अलाइनमेंट पहले दूसरे तीसरे चौथे के साथ करवा के फिर वो गाइड ट्री में ऐड करता जाएगा. तो इस तरह प्रोग्रेस का आपको मतलब ना ऐसा ऐसा प्रोग्रेस करते जाना, तो इट्स कॉल्ड द प्रोग्रेसिव मेथड. अच्छा, कौन से एल्गोरिदम्स हैं, कौन से हमारे हैं, क्लस्टर डब्ल्यू और
टी कॉफी, ये कौन सी अलाइनमेंट करते हैं? प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट एल्गोरिदम्स, ठीक है ना, क्लॉस्टल डब्ल्यू के हैं. क्लॉस्टल डब्ल्यू ये सॉफ्टवेयर टूल लोगों ने बनाया था ना, ये टूल अलाइनमेंट के. अच्छा, अलाइनमेंट का टूल वगैरह जब भी बनते हैं तो इसका मतलब उनके पीछे कोई ना कोई एल्गोरिदम रन हो रहा है. तो क्लॉस्टल डब्ल्यू टी कॉफी का एल्गोरिदम कौन सा रन हो रहा है, इनके एल्गोरिदम के पीछे कौन सी अलाइनमेंट हो रही है? प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट. और ये दोनों ही बड़े फेमस टूल हैं फॉर मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट. ओके, ये जस्ट मैंने क्लॉस्टल डब्ल्यू का एक ऐड किया था कि हम इसको फर्दर यूज़ भी करेंगे. द क्लॉस्टल सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स आर वाइडली यूज इन मोलेकुलर बायोलॉजी. क्लॉस्टल की मैंने सीरीज़ आपको बताया था ना, क्लॉस्टल मेगा भी है, क्लॉस्टल डब्ल्यू भी है, क्लॉस्टल एक्स भी है, ये सीरीज़ है सारी क्लॉस्टल की, ठीक है ना. तो मोलेकुलर बायोलॉजी में इसकी सीरीज़ जो है काफ़ी यूज़ होती हैं फॉर द मल्टीपल अलाइनमेंट ऑफ बोथ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन सीक्वेंसेस एंड फॉर प्रिपेयरिंग फाइलोजेनेटिक ट्रीज. तो ये जो सीरीज़ इन्होंने बताया हुआ है ना, ये किस किस के लिए यूज़ होती हैं? अगर आपने अलाइनमेंट करवानी है, मल्टीपल अलाइनमेंट, न्यूक्लिक एसिड या प्रोटीन, ये दोनों के लिए काम करता है, ठीक है, क्लॉस्टल डब्ल्यू. या फिर क्या है, अगर आपने फाइलोजेनेटिक ट्री प्रिपेयर करने है ना, तो उसके लिए भी इसकी क्लॉस्टल सीरीज जो है वो यूज़ की जाती हैं. एंड इट वर्क्स बाय प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट. और ये प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट के थ्रू अभी मैं हम बात कर रहे थे ना, काम करता है. एंड इट अलाइंस अ पेयर ऑफ सीक्वेंस देन अलाइंस द नेक्स्ट वन ऑन टू द फर्स्ट पेयर, ठीक है. तो ये चीज़ अभी मैंने आपको पीछे समझा कर आई हूँ कि इसमें क्या करेगा, वो एक पेयर पे काम करेगा, उसको अलाइन करेगा, और क्या करेगा, जो नेक्स्ट वन होगा उसको क्या करेगा, फर्स्ट के साथ फिर ले जाएगा, ठीक है ना. लाइक के दो सीक्वेंसेस जो हैं उनको एट अ टाइम उन पर काम करेगा, और जो नेक्स्ट होगी उनको अलाइन कर करके जो पहले वाला गाइड ट्री होगा उसके साथ ऐड करता जाएगा. ओके, द मोस्ट क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंसेज आर अलाइंड फर्स्ट एंड देन एडिशनल सीक्वेंसेज एंड ग्रुप्स ऑफ सीक्वेंसेज आर एडिड गाइडेड बाय इनिशियल अलाइनमेंट्स. तो पिछले लेक्चर में मैं आपको बता रही थी कि आपकी जो सीक्वेंस वन होगी वो टू थ्री फोर के साथ बारी बारी अलाइनमेंट करेगी, ठीक है. वो कैसे बारी बारी अलाइनमेंट करेगी, वो देखेगी कि वन के साथ ज़्यादा क्लोज कौन से वाली है, टू ज़्यादा क्लोज है, थ्री ज़्यादा क्लोज है, कि फोर ज़्यादा क्लोज है. अगर सपोज करें वन जो है पहली सीक्वेंस जो है वो फोर्थ सीक्वेंस के साथ ज़्यादा क्लोज है, तो अलाइनमेंट सबसे पहले किसकी होगी, फर्स्ट और फोर्थ सीक्वेंस की आपस में पेयर वाइज अलाइनमेंट हो जाएगी. मल्टीपल ये प्रोग्रेसिव में मैंने बताया था ना आप लोगों को कि इसमें जो मल्टीपल सॉरी पेयर वाइज अलाइनमेंट जो होगी ना वो क्या होगा, इसमें पहले पेयर वाइज अलाइनमेंट होगी, फिर इनके रिजल्ट को आपस में मिलाकर आपको मल्टीपल अलाइनमेंट का रिजल्ट शो किया होगा, ठीक है. तो हमारे पास प्रोग्रेसिव में पहले क्या होगा, सीक्वेंस वन का सीक्वेंस फोर के साथ अलाइनमेंट करवाया जाएगा. क्यों करवाया जाएगा, टू और थर्ड को क्यों छोड़ना है, क्योंकि फर्स्ट सीक्वेंस अगर हम कहें फोर्थ के साथ ज़्यादा क्लोज है तो सॉफ्टवेयर देखेगा ये दोनों ज़्यादा क्लोज है फर्स्ट और फोर्थ, उनकी आपस में पेयर वाइज अलाइनमेंट करवाएगा. उसके बाद उनके जो रिजल्ट आएंगे उनको उनके हिसाब से एक ट्री बिल्ड करके उसके बाद देखेगा कि टू थ्री आपस में ज़्यादा क्लोज हैं, वन टू ज़्यादा क्लोज हैं, थ्री कौन से वाली ज़्यादा क्लोज है ना इसके बाद. तो वो कहेगा अच्छा वन और फोर के बाद कौन से वाली ज़्यादा क्लोज है, सपोज करें टू और थ्री ज़्यादा क्लोज है, फिर वो टू और थ्री का करेगा, ठीक है. उनकी अलाइनमेंट करके जो उनका रिजल्ट आएंगे उसको जो फर्स्ट अलाइनमेंट होगी उनके साथ ऐड करता जाएगा. इस तरह हर सीक्वेंस के लिए बारी बारी काम करेगा. इसमें जो मैं कहती ना पेयर बनाता है, वो पेयर किस बेस पर बनाता है, कि देखता है कौन सी आपस में सीक्वेंस क्लोज है. क्लोज का मतलब क्या होता है, जो आपस में उनके रीजन जो है ना वो सिमिलर आ रहे हैं, ठीक है. अगर ऊपर टी है तो नीचे भी टी है, अगर ऊपर सी है तो नीचे भी सी है, इस तरह से. सो इट यूजेस अलाइनमेंट स्कोर टू प्रोड्यूस अ फाइलोजेनेटिक ट्री. तो अलाइनमेंट स्कोर क्या यूज़ इसलिए यूज़ करेगा, फाइलोजेनेटिक ट्री बिल्ड करने के लिए. जब हम फाइलोजेनेटिक ट्री वगैरह पे काम करते हैं ना, ये जो फाइलोजेनेटिक ट्री का तो आप लोगों को पता हो किस तरह के दिखने में कैसे लगते हैं ये तो पता होगा ना. तो फाइलोजेनेटिक ट्री जब हमने बिल्ड करने होते हैं ना उनकी कंस्ट्रक्शन में, तो सबसे पहले हम लोग ना मल्टीपल अलाइनमेंट करवाते हैं और फिर उसके बाद फाइलोजेनेटिक ट्री जो है वो बिल्ड करते हैं. और सेकेंडली ये क्या करेगा, ये अलाइन करेगा सीक्वेंसेस को सीक्वेंशली गाइडेड बाय द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप इंडिकेटेड बाय द ट्री. तो जो फाइलोजेनेटिक ट्री उनके दरमियान आप यही समझे कि ज़्यादा जो रिलेशनशिप देखेगा पहले उसके हिसाब से उस सीक्वेंस करवाता जाएगा, अलाइन करवाता जाएगा उन सीक्वेंसेस को. जैसे मैंने आपको फर्स्ट और फोर्थ और सेकेंड और थर्ड सीक्वेंसेस की एग्जाम्पल दी. ओके,
ओके द नेक्स्ट वन इज टी कॉफी. सो टी कॉफी इट्स एब्रीविएशन ऑफ ट्री बेस कंसिस्टेंसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन फॉर अलाइनमेंट एवेल्युएशन. हाँ इट्स वेरी लेंथी नेम. ओके इट हैज एडवांस्ड. स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को इनकी स्पोज एब्रीविएशन नहीं भी याद रहती इट्स ओके, बट ना आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि टी कॉफ़ी और क्लॉस्ट्रिल डब्ल्यू के पीछे प्रोग्रेसिव मेथड जो है, अलाइनमेंट मेथड जो है, या आप हेरारिकल मेथड कह दें या ट्री मेथड कह दें, ठीक है ना, ये सारे मेथड जो है ना ये वर्क कर रहे हैं. लाइक एल्गोरिदम जो इनके पीछे रन हो रहा है, ठीक है, वो कौन सा किस बेस पे मल्टीपल अलाइनमेंट करवा रहा है, ये बड़ी इन्फॉर्मेशन है जो पता होनी चाहिए सॉफ्टवेयर को यूज़ करने से पहले. एंड इट हैज़ एडवांस्ड फीचर टू एवेलुएट द क्वालिटी ऑफ अलाइनमेंट. ये अलाइनमेंट क्या सबसे पहली बात है कि ये क्या बताएगा आपको, इसमें एडवांस फीचर क्या है कि आपको अलाइनमेंट की क्वालिटी बताएगा कि आपकी अलाइनमेंट जो है वो अच्छी क्वालिटी की आई है, किस क्वालिटी की आई है. अगर तो अच्छी क्वालिटी की अलाइनमेंट्स आती हैं देन आप उनको फर्दर यूज़ कर सकते हो. अगर आपकी अलाइनमेंट बहुत बुरी आ रही है, ठीक है, तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आप उसको फर्दर एनालिसिस वगैरह के लिए यूज़ नहीं कर सकते. अच्छा अगर आपकी ना बाज़ दफ़ा होता है अगर आपकी क्वालिटी अच्छी ना आ रही हो अलाइनमेंट में, तो जो आपने सीक्वेंस चूज़ किए होते हैं ना इसका मतलब ये होता है कि ना जैसे कि सपोज़ ये जो NCBI वगैरह में सीक्वेंसेस सबमिट की होती है ना, ये भी तो रिसर्चर्स ने काम किया होता है ना, PCR वगैरह करवा कर और कुछ भी जीन एम्पलीफाई करवा के तो उनकी सीक्वेंसिंग करवाई होती है. तो मे माइट भी पॉसिबल कि ना वहाँ से उन्होंने जब सीक्वेंसेस वगैरह सैम्पल्स की करवाई हो ना, तो वहाँ उनके सैम्पल्स वगैरह में कोई इशू हो जिसकी वजह से ना उनकी सीक्वेंसिंग ही अच्छी ना आई हो, रिजल्ट अच्छे ना आए हों, और फिर ये भी डिपेंड हो सकता है कि उसकी वजह से आपकी क्वालिटी जो है अलाइनमेंट्स अच्छी ना आई हो, ठीक है ना. तो बाद दफ़ा होता है कि अगर आपके पास बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप की सीक्वेंसेस हैं, उनका आपस में कोई टाइप का रिलेशनशिप नहीं है, फिर भी आपकी अलाइनमेंट जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं आती है ना. जब सीक्वेंस दो इंटायरली चेंज हैं तो उनकी अलाइनमेंट कैसे अच्छी आ सकती है, उनके कैसे अलाइनमेंट रीजन जो हैं आपके कम सिमिलर रीजन्स बहुत कम फाइंड होंगे. ओके सो इट प्रोड्यूसेस अलाइनमेंट इन दी ALN फॉर्मेट. अच्छा ये ना फॉर्मेट की बात अभी नहीं हमें समझाएगी, जब हम सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे ना तब वहाँ डिफरेंट तरह के फॉर्मेट की बात हो रही होती है. ALN जो होता है ना वो अलाइनमेंट का फॉर्मेट है, तो अलाइनमेंट ये अलाइनमेंट ही देता है ना, अलाइनमेंट फॉर्मेट ALN उसकी एब्रीवेशन अलाइनमेंट की समझ लें, ठीक है. तो ये आपको किस फॉर्म में देता है, ALN फॉर्मेट में आपको रिजल्ट देता है, ये जस्ट रिजल्ट की बात हो रही है, ठीक है, रिजल्ट किस फॉर्मेट में देता है. बट कैन ऑल्सो प्रोड्यूस PIR MSF एंड FASTA फॉर्मेट. तो जब अभी तो लग रहा है ना कि फॉर्मेट हमें इतने इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे, बट जब हमने ना मल्टीपल सीक्वेंस के बाद मैं आपको सपोज करें मैं आपको कहूँ कि मुझे फाइलोजेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्ट करके दें, आपने मल्टीपल अलाइनमेंट करवा लिया है, तो फिर आपको उस टाइम पे जो फर्दर एनालिसिस हमने इस तरह करने होता है ना, उस टाइम पे हमें ना वरी करने की ज़रूरत होती है कि हम कौन सा फॉर्मेट चूज़ करें. क्योंकि अगर सपोज आपने आगे फाइलोजेनेटिक ट्री बिल्ड करने के लिए अगर आपने आगे मेगा का सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, तो आपने देखना भी है ना कि मैं जिस सॉफ्टवेयर में मैं ट्री बिल्ड करने जा रहा हूँ वहाँ पर कौन सा फॉर्मेट एक्सेप्टेबल अलाइनमेंट का. अगर वहाँ पर आप सपोज FASTA रख लेते हो, FASTA वहाँ एक्सेप्टेबल ना हो, तो इसका मतलब है आपको अलाइनमेंट के लिए वरी करने की ज़रूरत है ना. तो हमें पहले देखना होता है कि ये वाला सॉफ्टवेयर जो है वो हमें किस किस फॉर्मेट में अलाइनमेंट दे रहा है. और मोस्टली अगर आप FASTA वगैरह करें ना, FASTA हर जगह चल जाता है ना, FASTA और ALN भी काफ़ी ज़्यादा है, और FASTA तो हर जगह आपका फॉर्मेट चलता है ना. तो जो आपने रिजल्ट वगैरह वहाँ से सेव करने होते हैं ना, तो वहाँ आपने ऑप्शन चूज़ करना होता है कि आप किस फॉर्मेट में अपने रिजल्ट सेव करना चाह रहे हो, तो ये फॉर्मेट उनके लिए है. ओके द मोस्ट कॉमन इनपुट फॉर्मेट्स कौन कौन से हैं आपके पास, FASTA और प्रोटीन PIR. पर PIR मैंने आपको आई थिंक पहले लेक्चर में बताया था कि क्या था, प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस. ओके द नेक्स्ट सेकेंड मेथड इट्स अ आइट्रेटिव रिफाइनमेंट मेथड. अच्छा आइट्रेटिव का मतलब मैंने ना आपको लाइन जब एल्गोरिथम का कोर्स पढ़ाया था ना, मुझे याद है मैंने आपको ना आइट्रेटिव का मतलब बताया था कि याद है हमने छोटा सा एल्गोरिथम भी इसके लिए लिखा था ना. आइट्रेटिव है किसी भी चीज़ को बार 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 दोहराते जाना ना, उर्दू में भी अगर हम इसका मतलब देखें तो. वहाँ पर मुझे याद है हम लोगों ने एक छोटा सा एल्गोरिथम भी सॉल्व किया था, उसमें भी था किस चीज़ को बार 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 दोहराना. तो ये उस तरह का मेथड है जिसमें बार बार अलाइनमेंट को दोहराया जाता है ताकि वो और ज़्यादा रिफाइन हो सके, ठीक है. अच्छा अ सेट ऑफ मैथड टू प्रोड्यूस MSAs वाइल रिड्यूसिंग द एरर इनहेरेंट इन प्रोग्रेसिव मैथड्स आर क्लासीफाइड एज आइट्रेटिव. अब आइट्रेटिव मैथड क्या करता है, बार बार क्यों दोहराता है अलाइनमेंट, फिर रीअलाइन करेगा, फिर रीअलाइन का क्या, ताकि कोई भी अगर एरर वगैरह हैं तो वो रिमूव हो सकें, ठीक है.
दे वर्क सिमिलरली टू प्रोग्रेसिव मेथड, वो बिल्कुल प्रोग्रेसिव मेथड की तरह होंगे, बट ये वाला इनका डिफरेंस क्या है, रिपीटेडली री अलाइन द इनिशियल सिक्वेंसेज एज वेल एज एडिंग न्यू सिक्वेंसेज टू द ग्रोइंग MSA. ये क्या करता है, प्रोग्रेसिव में क्या था, पहली दो सीक्वेंस अलाइन हुई, उसके बाद प्रोग्रेसिव में क्या होता था, आगे प्रोग्रेस हो गई, न्यू अलाइनमेंट आ गई, फिर आगे न्यू अलाइनमेंट आ गई, लेकिन इसमें क्या होता है, वो न्यू सीक्वेंस की तो अलाइनमेंट करवाएगा, लेकिन जो पिछली वाली है ना उनको रीअलाइन करता रहता है. क्यों रीअलाइन करता है, ताकि अगर कोई एरर वगैरह ना तो वो रिमूव हो सके. तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि आइटरेटिव जो है ना उसका मतलब है बार बार किस चीज़ को दोहराना. सो दिस मेथड वॉज फॉर्मुलेटेड बाय पार्टन एंड स्टर्नबर्ग. So the different iterative method using the bioinformatics art of Dialgin muscle, this is very famous software, multiple sequence alignment by log expectations. इसकी ना आप लोगों ने abbreviation याद कर लेनी है, क्योंकि ये हम लोग muscle वगैरह ज़्यादा use करते हैं ना, जहाँ पर भी किसी भी project में आप ना bioinformatics जो भी project लेना उनमें multiple alignment करनी पड़ ही जाती है, काम ही बात वह multiple alignment से start हो गया, आगे आगे analysis ऐसे जाते हैं, ठीक है. तो ये किसी बड़े लेवल का काम करें या छोटे लेवल का काम करें तो आपको अलाइनमेंट करनी पड़ती है मल्टीपल अलाइनमेंट. तो मसल जो है वो उसमें बहुत फेमस है, मसल जो सॉफ्टवेयर है. फिर जैसे उसमें हमारे पास क्या था, क्लॉस्टर लब्यू और टी कॉफी, इधर डायलगिन और मसल. ओके सो स्टूडेंट्स, ये तो हमारा हो गया सारा जो मैंने आपको बताया है कि what is the difference between pair wise alignment and multiple alignment, or pair wise alignment कैसे काम करती है and multiple alignment कैसे काम करती है, ये सारी चीज़ें उसके बारे में हो गई. और उसके बाद अपनी जैसे ना मैंने आपको पैम और ब्लोजन का इसलिए बताया है कि जब भी कहीं टर्म्स वगैरह यूज़ हों एट लीस्ट आपको पता तो पैम और ब्लोजन है क्या है. एंड उसके बाद आइट्रेटिव और प्रोग्रेसिव मेथड मल्टीपल अलाइनमेंट के पीछे कौन कौन से एल्गोरिदम यूज़ होते हैं ये आप लोगों को मस्त पता होना चाहिए, और आपने इनको लेक्चर को अच्छे से देखना है ये, ठीक है. और जब आप चूज़ कर रहे हो अपने लिए अलाइनमेंट का टूल कोई भी, तो आपने देखना है कि आप प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट की तरफ मेथड की तरफ जाना चाह रहे हो या आइट्रेटिव की तरफ जाना चाह रहे हो. और दोनों में से ना कोई भी ऐसा मेथड नहीं है कि हम कहें कि आइट्रेटिव बहुत अच्छा और प्रोग्रेसिव नहीं अच्छा, ठीक है. हर एक के अपने थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स होते हैं. तो क्लॉस्टर लब्यू और टी कॉफ़ी भी बहुत जगह यूज़ होते हैं, ये नहीं है कि जस्ट मसल ही हर जगह यूज़ होता है, ठीक है ना. तो किसी भी लाइक वो भी यूज़ होता है और ये भी यूज़ है, बस आपने देखना है कि आप क्या करना चाह रहे हो, आप किस चीज़ की अलाइनमेंट करना चाह रहे हो, ठीक है. तो उसके हिसाब से आप लोग फिर अपना चूज़ करते हो कि आप कौन सा टूल करो, या फिर अगर समटाइम्स आपको समझ ना आ रही हो कि आपको कौन सा टूल चूज़ करना है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप ना प्रोग्रेसिव मेथड में जैसे क्लॉस्टर लब्यू और टी कॉफ़ी है ना, इनमें से एक टूल चूज़ करके उससे अलाइनमेंट करवाओ, और यहाँ आइट्रेटिव जो है ना यहाँ से मसल चूज़ करते हुए आप ना अलाइनमेंट करवाओ, ठीक है. उसके बाद दोनों के रिजल्ट को ना कंपेयर करके देखो, कुछ डिफरेंस वगैरह तो नहीं ज़्यादा आ रहा, क्योंकि है तो मल्टीपल अलाइनमेंट ही है ना, तो डिफरेंस तो नहीं इससे आना चाहिए. तो ये एक अच्छा वे हो जाता है, ऐसे बिल्कुल आप समझ नहीं आ सकती कौन सा टूल अच्छा है कौन सा बुरा है, ठीक है. तो जो मोस्टली साइटेड या लोगों ने अपने पेपर्स में यूज़ किया ना, वो मैंने आपको बताया क्लॉस्टर लब्यू काफ़ी यूज़ किया होता है, और मसल तो बहुत ज़्यादा यूज़ किया होता है, ठीक है. और माफ्ट मैंने आपको बताया था कब यूज़ किया होता है, माफ्ट में होता है कि आपके पास जब सीक्वेंसेस जो हैं वो लेंथी हो, ठीक है ना, लेंथी थोड़ा सीक्वेंस बढ़ा हो आपके पास. तो आई होप कि आपको इन चीज़ों की समझ आ गई होगी. आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन आ रहा होगा तो आप मुझे या तो टेक्स्ट कर सकते हैं, कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं. एंड फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ना इसकी PPT जो है ना ईमेल के थ्रू आपके कॉमन ग्रुप में या फिर आपके GR या CR को ना सेंड कर दूँगी, ओके. बट यू नीड टू रिमाइंड मी. अच्छा, अभी ना हम लोग ना मैं आपको ना इसका प्रैक्टिकल करवाती हूँ पेयर वाइज अलाइनमेंट का, ओके, आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक.